दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। केंद्र सरकार ने 7 दिन का समय मांगा, 28 अगस्त को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई। बिहार में जाति आधारित गणना का सर्वे डाटा के सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। फिलहाल इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जातीय गणना पर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। आपको बता दें कि केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 28 अगस्त को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो जातीय गणना में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक संबंधी सभी याचिकाओं को क्लब किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया था कि जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुन लिया जाता है, तब तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। 28 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। हालांकि जातीय गणना पर इससे पहले 18 अगस्त को भी सुनवाई हुई थी। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए फिलहाल इस सुनवाई के बाद 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब 1 हफ्ते बाद यानी कि 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। तो जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई हुई, जिसके बाद केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। कब क्या हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बिहार में कौन जातियां कितनी हैं उसका डाटा भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई है उसमें अगली डेट मिल चुकी है, यानी कि अब 28 अगस्त को जातीय गणना पर फिर से सुनवाई होगी। दरअसल केंद्र की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना को लेकर सुनवाई हुई है, क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान निकलकर सामने आया? अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो कुछ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कहा था कि फिलहाल जो डाटा इकट्ठा हो गया है उसे पब्लिकेशन पर रोक लगा दिया जाए। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है वो सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का मोहलत शिवानी आज मांगा है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी अगली सुनवाई जो है वो 28 अगस्त तक होगी। बिहार सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि देखिए लगभग जो डाटा इकट्ठा करना है जातिगत जनगणना का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, अब सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया की काम हो रही है, वही कुछ बाकी है। लेकिन जो केंद्र सरकार का जवाब है वो नहीं आया, उसका 7 दिन का समय मांगा गया। 7 दिन के जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई 28 को होगी। तो 28 को देखना होगा कि क्या जो याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा है क्या उस पर उसमें इतनी दम होता है, इतनी मजबूती होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से रोक लगाती है, या जो काम पूरा हो गया है वो और जो बाकी है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर फैसला सुनाते हैं तो सवाल सबसे बड़ा ये होगा फिर उसका डाटा का क्या होगा। इस तरीके का बहस और भी 28 तारीख को देखने को मिलेगा कि जो बिहार सरकार वो अपने पक्ष में ये भी बातें को रखेगी कि देखिए जो डाटा इकट्ठा हो गया उसका क्या, सुप्रीम कोर्ट इस पर इससे भी नजर बारीकी से सुनेगा, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाएगी शिवानी। अब बिल्कुल हमें देखिए लगातार बिहार सरकार की यही कोशिश है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए, क्योंकि ये भी कहना है कि 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। हालांकि हमें देखिए जातीय गणना को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम बयानबाजियां सामने आ रही है, लेकिन अब इंतजार 28 अगस्त का, क्या कुछ संभावनाएं दिख रही है अमित? देखिए 7 दिनों का समय केंद्र सरकार ने दिया है, 7 दिन में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब जो बिहार सरकार से जवाब मांगा गया था, जो पक्ष में मांगा गया था, तो उन्होंने जो अपना हलफनामा तैयार किया उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि देखिए हमारा 90% का काम पूरा हो गया है और कुछ ही परसेंट का काम जो है वो बच गया है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी चालू है।
तो अब इस पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। दूसरा रोक लगाना ठीक नहीं, दूसरा इस पर लंबा समय खींचना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब डाटा आ गया है उसका बहुत सारी लगातार विपक्ष भी आरोप लगाती है कि डाटा लीक हो सकता है, ये होता है एन के एन प्रकार ने आरोप लगाती है। तो अब देखना ये होगा कि 28 तारीख को जो दोनों पक्ष से बहस होता है और केंद्र सरकार के तरफ से जो जवाब दाखिल किया जाता है उसमें दरअसल क्या होता है, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।